बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब सीकर के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जॉब रटवे की जानिब से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं। सारी जॉब नर्स की हैं, तकरीबन 481 पोस्ट हैं, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल साथ बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, और बाकी जो जितने भी डिटेल्स हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ जाए और आपको पता चले कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप jobs.pk की वेबसाइट पर आएँगे, और यहाँ पर आप सर्च में भी हेल्थ डिपार्टमेंट लिख सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से भी जॉब ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जॉब डॉन के न्यूज़पेपर में शाया हुई है और इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2020 है। तो मज़ीद मैं डिटेल्स में जाने के लिए ये एड ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये जॉब है नर्सिस की, नर्स जॉब्स है, BPA 16, बेसिक पे स्केल जो है वो 16 है, और इनकी फिक्स जो सैलरी है वो है 1,20,000 रुपया मंथली, यानी कि 1,20,000 रुपये सैलरी होगी BPA 16, और टोटल 481 पोस्ट हैं। जी हाँ, एप्लीकेंट्स काफ़ी सारी पोजीशंस हैं इसमें, और ये नर्स की जॉब्स हैं। और इसके बाद जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कि आफ्टर द सिलेक्शन आप कहाँ पे पोस्ट होंगे, तो उसमें ये सब बाजवड़ का बताया हुआ है। बाजवड़ 100 जो कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पर पोस्ट होंगे। DHO मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो ऑफिस होता है वहाँ पर। तो उसके बाद मुहम्मन, फिर खैबर, फिर औरकज़ई, खुर्रम, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान। तो ये मतलब बाकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की डिटेल्स हैं। तो टोटल 481 इसमें पोजीशंस हैं, और इसके लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो है 21 से 40 साल, यानी कि कम अज़ कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40, 21 और 40 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसमें वो है BSc नर्सिंग, यानी कि BSN आपने जो 4-year डिग्री प्रोग्राम होते हैं नर्सिंग का वो आपने किया हो, और या फिर आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग में, और साथ में जो 1-year स्पेशलाइज्ड पोस्ट बेसिक डिप्लोमा होता है ड्यूली रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो आपने BSN किया हो 4 years का, या फिर डिप्लोमा किया हो नर्सिंग में, और साथ में 1 साल का जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है वो आपने किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं इसमें और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक जॉब सीकर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है इसमें। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है, और जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, जो आप जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकें। तो आप सबसे पहले आएंगे यहाँ पे jobs.pk पे। जब आप ये जॉब ओपन कर लेंगे, जो मैंने ओपन की हुई है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप बिल्कुल यहाँ से नीचे आएंगे, तो इस ऐड के बिल्कुल नीचे लिखा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर ये मैं सरकर मूव कर रहा हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इजीली बिल्कुल ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने फिल करना है, और साथ में जो और डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी डिटेल्स हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने करना ये है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद इसके साथ आपने अपने जो रिसेंट फोटोग्राफ हैं, तस्वीर हैं, पासपोर्ट साइज़ वो होनी चाहिए आपके पास, अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपने मैट्रिक की जो DMC की सर फोटो कापी है वो अटेस्टेड हो, फिर FSC, फिर BSN डिप्लोमा जो भी है, उन सब की चीज़ों के आपके पास अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ आपने लेनी है। इसके बाद जी है कि CNIC जो है आपके उसका अटेस्टेड फ़ोटो कापी होनी चाहिए, डोमिसाइल की अटेस्टेड फ़ोटो कापी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास वो होनी चाहिए। और फिर आपने इस एड्रेस पर भेजना है, एड्रेस ये लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा एट वर्सक रोड पिशावर थ्रू पोस्ट, यानी कि पोस्ट के थ्रू आप लोगों ने भेजना है, किसी भी पाकिस्तान पोस्ट हो या TCS हो, तो 15 दिन के अंदर अंदर, जो कि 10 नवंबर बनता है, 10 नवंबर लास्ट डेट है इसकी तकरीबन 9-10। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि बाई हैंड जब आप सबमिशन करेंगे तो अलाउड नहीं है, इनकम्प्लीट अप्लीकेशन वो भी अलाउड नहीं है,
उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। फिर ये एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर, मतलब जो लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी उसको ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। फिर एज रिलैक्सेशन के हवाले से बताया गया है, और सैलरीज ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिलीज्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो सैलरीज जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सैलरीज जब अनाउंसड होंगी, जब आपको दी जाएगी, तो वो तब दी जाएगी जब इससे पहले आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। जब वो वेरीफाइड हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो ये सब इसमें डिटेल्स हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा एड्रेस यहाँ पे भी नीचे भी गिवन है यहाँ पे, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में सिंपल पोस्ट अप्लाइड फॉर कहा गया कि आपने कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने लिखना है नर्स। पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपने ये लिखना है, देखें पोस्ट वैकेंसी नर्स BPS 16, आपने यहाँ पे लिखना है नर्स BPS 16। अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, और अगर आप फीमेल हैं, मैरिड हैं, तो फिर अपना हस्बैंड जो नेम है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ हो गया, CNIC नंबर, और फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डोमिसाइल आपने ये करना है कि KPK कोमा, अगर आप पिशावर के हैं तो पिशावर लिखेंगे, अगर मलाकंड के हैं तो मलाकंड लिखेंगे, डोमिसाइल की जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। फिर पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर एक तस्वीर लगाएंगे, फिर मैट्रिक का जो अपना बोर्ड है, फिर ईयर, और फिर जो टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, ग्रेड, डिवीज़न, इसी तरह आपने जो जो डिग्री की होगी उसको आपने लिखना है यहाँ पे। मैट्रिक अगर आपने की FSC की है तो वो भी लिखेंगे, अगर नहीं की तो नहीं लिखेंगे। अगर साथ में आपने BA BSc भी किया है तो वो भी आप लिखेंगे, अगर वो नहीं किया तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस के हवाले से है, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो, आपके पास कुछ है, ये है क्वालिफिकेशन ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग के अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है अलग से। तो यहाँ पे अगर आपने BSN किया हो या मेडिकल डिप्लोमा किया हो तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, और इसी तरह फिर जो कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, फिर ग्रेड्स, और जो सब कुछ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप इस दिए हुए एड्रेस पे आप इसको भेज देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप फर्दर ऐसी गवर्नमेंट और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब से अपडेटेड रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।